नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको एक नए आर्ट फॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, ढोकरा आर्ट। आइए क्राफ्ट बनाते बनाते इस आर्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मोल्डेड क्ले और अच्छी तरह से मिक्स करें। क्ले का रंग सफ़ेद होने तक मिक्स करते रहें। मैं यहाँ पर टेराकोटा लिड यानी कि मिट्टी से बना ढक्कन ले रही हूँ। क्ले को रोल करें और पतली पतली कॉइल्स बनाएं। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से इन्हें चिपका लें। पूरे लिड को कवर करें जैसा कि दिखाया जा रहा है। अब सेंटर में ग्लू लगाएं और क्ले को हाथ से दबाकर चिपका लें। इसके ऊपर मिरर भी पेस्ट करें। मिरर के बगल में कॉइल भी चिपका लें। कटर या नाइफ की मदद से इन कॉइल्स पर डिजाइन बनाएं। थोड़ी सी क्ले लें और पत्ती का आकार दें। इन पत्तियों को लिड के ऊपर पेस्ट करें। एक सुंदर सा डिजाइन बनकर तैयार है। अब कॉइल लें और ट्विस्ट देना स्टार्ट करें जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस ट्विस्टेड कॉइल को भी आपने लिड के चारों तरफ डेकोरेट करना है। वीडियो देख रहे सभी दोस्तों से ये आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब छोटी छोटी कॉइल्स कट कर लें और इन्हें भी डिज़ाइन देते हुए पेस्ट करें। दोस्तों, मैं यहाँ पर ढोकरा टर्टल बना रही हूँ। आइए अब इस आर्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ढोकरा आर्ट फॉर्म सबसे प्रचलित आर्ट में से एक है। इसकी शुरुआत 4000 साल पहले हुई थी। इतिहासकार बताते हैं कि ढोकरा आर्ट हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी पाए गए हैं। दोस्तों, ढोकरा आर्ट का काम छत्तीसगढ़ के बदसर क्षेत्र में आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाता है। अब थोड़ी सी क्ले लें और इसके फीट्स बनाएं। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही करें। इसके चार पैर बना के रख लें। अब एक कॉइल को ट्विस्ट करें और लिड के आखिर में पेस्ट कर दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। लीजिए, टर्टल का शेल तैयार है। अब हम इसका हेड बनाएंगे। हेड बनाने के लिए क्ले को रोल करें। फैब्रिक ग्लू से इसे पेस्ट कर लें। नाइफ या कटर की मदद से इसमें डिजाइन बनाएं और इसके माउथ पे भी एक कट का निशान दें। दो छोटे छोटे बॉल्स लें और इसकी आईज बनाएं। इन्हें भी चिपका लें। अब इसके सर को भी हम डेकोरेट करेंगे कॉइल्स के साथ। इसकी टेल्स को भी जोड़ लें। अब
अब इसके पैरों पर इंप्रेशन दे और फैब्रिक ग्लू की मदद से इन्हें चिपका लें। लीजिए, आपका ठोकरा टर्टल रेडी है। इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। यहाँ पे कुछ इंप्रेशन दिए हैं। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो ब्लैक एक्रेलिक से पूरे टर्टल को कलर करें। ब्लैक कलर के पूरी तरह सूख जाने पर इस पे पर्ल मेटालिक गोल्ड कलर से शेडिंग दें। इसके लिए हम ड्राई ब्रश टेक्निक का यूज़ करेंगे। दोस्तों, ढोकरा आर्ट जितना देखने में खूबसूरत है, उतना ही इसको बनाना कठिन है। इस आर्ट की अनोखी बात ये है कि हर एक पीस बिना कोई जोड़ के एक ही पीस में बनाया जाता है। पीतल व कांसा को मिट्टी के सांचे में डाल आग पर तपाकर अद्भुत आकृतियां तैयार करने की यह बेजोड़ कला ही ढोकरा आर्ट है। लेकिन हमने तो मोल्डेड का इस्तेमाल करते हुए इसे बड़ी आसानी से बना लिया। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको ये आर्ट फॉर्म कैसी लगी। इसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे मिरर्स एड ऑन किए हैं। लीजिए, सुंदर सा होम डेकोर बनकर तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।